आप सभी का सक्षम एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ के सबसे बेसिक टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। सो वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर, 1, 2, 12, -2, -3, 0। सो दीज नंबर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। Some may be called as prime number, some may be called as whole number, some may be called as coprime number, some may be called rational number. So, today in this video, we discuss different type of number in number system. भाई किसको हम prime number बोलेंगे, किसको हम whole number बोलेंगे, किसको हम rational number बोलेंगे, किसको हम coprime number बोलेंगे, इन सभी के बारे में। So, let's start. So, first है हमारा number सिस्टम में नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हम किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हम काउंटिंग में यूज करते हैं, जैसे कि 1 से स्टार्ट होता है 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सो नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होगा? हमारा 1 होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है। और ये सारे पॉजिटिव साइंस के साथ होते हैं। काउंटिंग के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे हमारे क्या हैं? नेचुरल नंबर। सेकंड है हमारा व्होल नंबर। व्होल नंबर में हम कौन से नंबर्स काउंट करते हैं? सो सभी नेचुरल नंबर क्या हमारे व्होल नंबर है। और एक और क्या इसमें हम इंक्लूड कर देते हैं? जीरो। जीरो से 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सो दीज आर कॉल्ड व्होल नंबर्स। ओके, थर्ड है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स हम किसे कहते हैं? कोई भी नंबर है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, उनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। जैसे कि +1, +2, +7 एंड सो ऑन, कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। इसी तरह -1, -5, -7, -6, -9, यानी कोई भी नंबर है, पॉजिटिव साइन है जिसके साथ या फिर नेगेटिव साइन है, उन्हें हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स। पॉजिटिव साइन है तो हम उन्हें कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड नेगेटिव साइन है तो हम उन्हें कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर हम किसे कहेंगे? इवन नंबर वो नंबर होते विच आर डिविजिबल बाई टू। उन्हें हम क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 10, 16, ऐसा जो भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? इवन नंबर या फिर सम संख्या। नेक्स्ट है हमारा ओड नंबर। ओड नंबर किसे कहते हैं? विच आर नॉट डिविजिबल बाई टू, यानी कि ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? ओड नंबर्स। एग्जाम्पल्स 7 नॉट डिविजिबल बाई टू, 9, 11, 17, 21, ये सब क्या हमारे ओड नंबर्स होंगे विच आर नॉट डिविजिबल बाई द 2। नेक्स्ट है हमारा प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं? प्राइम नंबर वो एक से बड़ी सभी संख्याएं, एक को छोड़कर जो किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, यानी वो सभी नंबर जो एक को छोड़ दे हम, जैसे तो एक 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, तो इनमें देखो एक से बड़ी वो सभी संख्याएं जो क्या होती हैं, एक से बड़ी सभी संख्याएं विच आर नॉट डिविजिबल, जो किसी संख्या से विभाजित ना हो। जैसे 2 है, किसी से डिवाइड नहीं होता, 4 होता है, तो 4 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। 5 है एक से बड़ी वो संख्याएं विच आर नॉट डिविजिबल, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 5 एंड 7, तो ये सभी हमारे क्या हैं? प्राइम नंबर। और इसके आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे विच आर नॉट डिविजिबल। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट नंबर।
सो कंपोजिट नंबर हम किसे कहते हैं? वो संख्याएं जो अपने को छोड़कर और एक को छोड़कर, जैसे कि हमारा 6 है तो एक को छोड़, ये किससे डिवाइड हो जाता है? 2 से हो जाता है, 3 से हो जाता है, खुद से तो होता ही है। यानी ऐसे नंबर जो 1 को छोड़कर और खुद को छोड़कर किसी और संख्या से डिवाइड हो जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। ठीक है, डिविजिबल बाय मोर देन टू नंबर्स। टू तो कौन से होगी? 1 and self। इसके अलावा जो किसी और से डिवाइड हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसे कहते हैं? एनी नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू या विच आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। जैसे कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जिसको हम लिख सकते हैं, उन नंबर को हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर्स। वेयर क्यू इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, जहां पर क्यू जीरो के इक्वल नहीं है, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर्स कहते हैं। राइट, जैसे कि 2/3, 7/8, तो ये सब हमारे क्या हैं? रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम इसे कहते हैं, यानी ऐसे नंबर विच आर नॉट रैशनल नंबर, दीज आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 3, √5, √7, तो ऐसे जो भी नंबर होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स। नंबर्स विच आर नॉट रैशनल नंबर्स, यानी रैशनल नंबर का जो अपोजिट होगा उन्हें हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट हमारा लास्ट वन और नेक्स्ट वन है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होगा? इसमें कम से कम 2 नंबर होंगे, और 2 नंबर वो होंगे जिसमें कॉमन सिर्फ क्या हो? 1 कॉमन हो, यानी जिसका HCF क्या हो? 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। जैसे 4 and 9 है, एग्जाम्पल लेते हैं 4 and 9, तो 4 and 9 का HCF अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा? 1 आएगा, कुछ कॉमन नहीं है इनमें ऐसा। ठीक है, ना तो 4 9 से डिवाइड होता है और ना 9 4 से होता है, तो कॉमन क्या आएगा इसमें? 1 आएगा। तो ऐसे नंबर्स जिनमें कॉमन या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स। तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स वी यूज इन द मैथमेटिकल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज नंबर ए लॉट ऑफ क्वेश्चन अराइज इन ईच टाइप ऑफ चैप्टर्स। जैसे कि हम एवरेज का चैप्टर करते हैं, तो एवरेज में कह देते हैं भाई फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का एवरेज निकालो। तो जब हमें यही नहीं पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो हम कैसे निकालेंगे एवरेज? आंसर गलत आएगा। या फिर पूछ लेते हैं भाई फर्स्ट 5 वॉल नंबर के एवरेज निकालो। तो अगर आपको पता है 0 से वॉल नंबर स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट 5 ये नंबर हो गए, इनका सम करेंगे डिवाइडेड बाय द 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो उसमें हम इजीली निकाल सकते हैं। कई बार पूछ लेते हैं छोटी क्लासेज में भाई फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सम बताओ। अब हम नेचुरल नंबर कहाँ से ले, पता नहीं, तो अब पता चल गया ना। तो इसी तरह हमें हर टाइप के नेचुरल नंबर का पता चल गया है, तो हम इजीली मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम सोल्व कर लेंगे इन द कमिंग डेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सक्षम एजुकेशन पॉइंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।